तो आज सीखने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक नया वीडियो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में आपके बीबीएस में बीबीए में बी सी ए बी एस सी आपके पीएचडी एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुका है यहाँ पे पीएचडी भी है सो तो ये क्वेश्चन अगर सीख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मार्क्स आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसका थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अलग है चलिए जानते हैं इन अ लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ एप्पल फोर फ्रूट्स आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ फिफ्टी फ्रूट्स आर फाउंड बी बैड आपका पचास एप्पल है फ्रूट्स है फिफ्टी एप्पल्स में चार एप्पल्स जो है वो बैड पाया गया है खराब हो चुका है यहाँ पे बोला गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन पोर्शन ऑफ बैड एप्पल्स इन द कंसाइनमेंट इज टेन परसेंट आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बोला जाए या ना बोला जाए आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना ही पड़ता है तो चलिए सॉल्यूशन करने पर हम लोग पहले लिख लेते हैं हेयर गीबेन सो यहाँ पे टोटल फ्रूट जो है यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्टी फ्रूट्स है तो ये हमारा यन हो गया हेयर गिबेन क्या हो गया हमारा यन इक्वल टू फिफ्टी फ्रूट्स है ठीक है फोर फ्रूट्स आउट ऑफ अ सैम्पल ऑफ फिफ्टी फ्रूट्स आर फाउंड टू बी बैड ये चार जो फ्रूट है ये बैड पाया गया है तो इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स ये हमारा फोर हो गया ठीक है तो इसमें क्या करना पड़ता है पहले पी निकाल लेंगे तो पी निकालने पर क्या होता है फॉर्मूला पी इज़ इक्वल टू एक्स बाई एन एक्स हमारा कितना है फोर है एन हमारा कितना है फिफ्टीन है फिफ्टी है इसको कैलकुलेटर चलिए कर लेते हैं फोर डिवाइडेड फिफ्टी जो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट आएगा ये ज़ीरो पॉइंट जीरो एट लिख लेंगे अगर आपका एप्पल का क्वेश्चन आए फ्रूट्स का क्वेश्चन है वेजिटेबल का क्वेश्चन है बैड एप्पल बैड फ्रूट्स बैड वेजिटेबल तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है ठीक है ये प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो मजे से मार्क्स आपको मिल जाएगा पी निकालने के बाद आपको देखना है पी जीरो कितना है ठीक है तो यहाँ पे कंसाइनमेंट कितना है द पॉपुलेशन पोर्सन ऑफ बैड एप्पल इन द कंसाइनमेंट इज टेन परसेंट ये हमारा टेन परसेंट है ठीक है तो टेन परसेंट को नंबर में ब्रेक करेंगे तो टेन बाई हंड्रेड हो जाता है टेन बाई हंड्रेड हो जाता है हंड्रेड से डिवाइड हमेशा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का टेन बाई हंड्रेड करेंगे तो चलिए देख लेते हैं ज़ीरो पॉइंट वन आ जाएगा यहाँ से देख सकते हैं आप टेन परसेंट का कितना आ गया हमारा पी ज़ीरो जीरो पॉइंट वन आ गया पी जीरो निकालने के बाद हम लोग को क्यू ज़ीरो निकालना होता है तो क्यू ज़ीरो का फॉर्मूला होता है वन माइनस पी ज़ीरो वन माइनस ज़ीरो पॉइंट वन है वन में से जीरो पॉइंट वन को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन ठीक है इतना आ जाएगा इतना आने के बाद अब हम लोग नूल हाइपोथेसिस की तरह चलेंगे ठीक है सो स्टेप वन यहाँ से अब फॉलो करेंगे नॉल हाइपोथेसिस ठीक है अब नॉल हाइपोथेसिस को हम लोग जो डिनोशन देते हैं एच जीरो से देते हैं ठीक है एच जीरो से देते हैं अब एच जीरो का मतलब क्या है द पर्सन ऑफ द पोर्सन ऑफ बैड ये लैंग्वेज है आप लोग लिख लेना एप्पल इज बैड एप्पल कितना है यहाँ पे देख सकते हैं पोर्सन ऑफ बैड एप्पल इन द कंसाइनमेंट इज टेन परसेंट तो इज टेन परसेंट है इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट वन है ठीक है ये टेन परसेंट को डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट वन आएगा ना इसी तरह से जीरो पॉइंट वन लिख देंगे दियर फोर एच जीरो सर्च डैट इसको कैसे लिखेंगे पी इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन यहाँ पे जीरो पॉइंट वन है वही लिख देंगे ये जीरो पॉइंट वन कहाँ से आया यहाँ से आया ठीक है ये जीरो पॉइंट वन यहाँ रख देंगे अब इस्टेप टू में चलेंगे इस्टेप टू में हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथीसिस यूज करते हैं अल्टर नेटिव हाइपोथेसिस ठीक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग एच वन देंगे किसी किसी बुक में एच ए रहता है आपको डरना बिल्कुल नहीं है यही लैंग्वेज लिख दूंगा मैं द पर्सन ऑफ बैड एप्पल एप्पल्स इज मोर देन इज मोर देन टेन परसेंट लिख दूंगा इज मोर देन टेन परसेंट यहाँ पर लिख दूंगा टेन परसेंट इसको टेन परसेंट को कैसे लिख देंगे इज इक्वल टू टेन परसेंट को हम लोग जीरो पॉइंट वन यहाँ पर लिखे हैं वही लिख दूंगा जीरो पॉइंट वन इस तरह से हम लोग लिख देंगे ठीक है यहाँ पे जीरो पॉइंट वन लिख देंगे इज मोर देन टेन परसेंट ज़ीरो पॉइंट वन हो गया अब क्या करेंगे चलिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे लैंग्वेज लिखने के बाद डिनोशन में एच वन सच दैट p इज ग्रेटर देन यहाँ पे जीरो पॉइंट वन है तो वही लिख दूंगा जीरो पॉइंट वन यहाँ पे भी जीरो पॉइंट वन है वही लिख रहा हूँ जीरो पॉइंट वन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल ही क्यू हुआ लेस देन इक्वल क्यूँ नहीं हुआ तो आपको याद रखना है ये अगर केस है बैड एप्पल का ठीक है तो ये होता है हमारा टू टेल टेस्ट याद रखना है ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा देख सकते हैं लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ एप्पल फोर फ्रूट्स आउट ऑफ सैम्पल ऑफ फिफ्टी फ्रूट्स आर फाउंड टू बी बैड चार फ्रूट्स जो है पचास फ्रूट्स में से बैड है तो कॉम्पेरिजन का क्वेश्चन आता है कॉम्पेरिजन के क्वेश्चन में कॉम्पेरिजन का क्वेश्चन है चार एप्पल बैड है आपका पचास एप्पल में से तो ये हो जाता है वन टेल टेस्ट वन टेल टेस्ट में दो केस होता है एक राइट टेल टेस्ट होता है एक लेफ्ट टेल टेस्ट होता है ठीक है तो राइट टेल टेस्ट में क्या होता है यहाँ पे पी इज ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट वन जो है ये राइट टेल टेस्ट है ये यहाँ पे मैंने P इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन ही क्यों लिया लिखा क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है आपको ये अगर ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है राइट टेल टेस्ट का ही आएगा वन टेल टेस्ट में जो राइट टेल टेस्ट होता है वही आता है आपको सो so, ये हमेशा यही ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन ही लिखना लेस देन नहीं लिखना क्योंकि आपको लेफ्ट टेल टेस्ट का क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं आता है इसमें तो याद रखना है हमेशा P इज ग्रेटर देन जीरो पॉइंट वन ही लिखेंगे इसके लिखने के बाद स्टेप थ्री में चलेंगे स्टेप थ्री में चलेंगे ठीक है स्टेप थ्री में हम लोग को टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करना पड़ता है ठीक है जेड टेस्ट करना पड़ता है ठीक है जेड टेस्ट क्यों करेंगे क्योंकि एन इक्की इक्वल टू फिफ्टी है ग्रेटर देन थर्टी है तीस से बड़ा होगा तो हम लोग जेड टेस्ट करेंगे अगर तीस से छोटा होता और तीस होता और थर्टी से लेस देन होता या थर्टी होता तो हम लोग टी टेस्ट करते पर थर्टी से बड़ा है यहाँ पे यन तो हम लोग क्या करेंगे जेड टेस्ट करेंगे तो वही लिखूंगा द टेस्ट एस्टिस्टिक्स द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज इस तरह से लिख के जेड टेस्ट करेंगे जेड इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी माइनस पी जीरो बाई रूट अंडर पी जीरो क्यू जीरो बाई रूट एन होता है पी हमारा कितना है यहाँ से जीरो पॉइंट जीरो एट है माइनस पी जीरो कितना है ज़ीरो पॉइंट वन है पी जीरो क्यू ज़ीरो कितना है हमारा पी जीरो क्यू ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड एन हमारा कितना है फिफ्टी दोनों रूट में है ठीक है इस तरह से हम लोग लिख लेंगे अब चलिए इसको कैलकुलेटर करके देख लेते हैं तो कैलकुलेटर में हम लोग सेम टू सेम करेंगे ज़ीरो पॉइंट जीरो एट माइनस ज़ीरो पॉइंट वन उसके बाद रूट है जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट नाइन बाई फिफ्टी करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन है तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था अगर जेट कैलकुलेटेड निकाल रहे हैं जेट कैलकुलेटेड है सी ए एल लिखेंगे तो इसको टैब में रखेंगे ठीक है टेबुलेटेड फॉर्म में तो यहाँ माइनस हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो यहाँ पे पॉजिटिव ही आंसर हम लोग लिखते हैं इस तरह से इस तरह से आप लोग भी पॉजिटिव लिख लीजिएगा नेगेटिव है फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव हम लोग रखेंगे अब स्टेप फोर में चलेंगे ठीक है स्टेप फोर में ठीक है स्टेप फोर में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे कितना है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा हमारा कितना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे फाइव परसेंट दिया हुआ है वही ले लेंगे नहीं तो नहीं देगा एज्यूम कर लेंगे अगर कभी कभी नहीं दिया होता है तो एज्यूम कर लेते फाइव परसेंट ठीक है फाइव परसेंट का मतलब है फाइव बाई हंड्रेड इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है फाइव परसेंट में आप लोग को क्या बोला था अगर बैड एप्पल इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है ये राइट टेल टेस्ट होगा टू टेल टेस्ट का राइट टेल टेस्ट में यही लिखा जाता है ठीक है तो इसके लिए हम लोग को आप लोग को टेबल देखना हो तो टेबल अगर नहीं देखने आ रहा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं टेबल ठीक है कैसे टेबल देखेंगे अदरवाइज़ आप लोग को राइट टेल टेस्ट के लिए यही तीन क्वेश्चन आता है आप लोग ये डेटा याद कर सकते हैं फाइव परसेंट वन परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल के लिए ये याद करेंगे फाइव परसेंट के लिए ये याद करेंगे टेन परसेंट के लिए ये याद करेंगे तो हमारा फाइव परसेंट है वन पॉइंट सिक्स फाइव तो यहाँ से हम लोग का जेड टेप जो है वह आ जाएगा यहाँ से देर फोर जे टैब जो है वो आ जाएगा ये जो वैल्यू है टेबलेटेड का ये आता है आपका टेबल से अगर टेबल देखने नहीं आ रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग वहाँ से टेबल देख सकते हैं जे टैब वन पॉइंट सिक्स फाइव आएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फाइव परसेंट ये है फाइव परसेंट में टेबल में देखेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन पॉइंट सिक्स फाइव ठीक है अगर आपको टेबल देखने नहीं आ रहा है तो आप लोग डेटा भी याद कर सकते हैं यहाँ पे राइट टेल टेस्ट के लिए आपको इस तरफ इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ये आपका राइट टेल टेस्ट का होता है राइट टेल टेस्ट के लिए वन परसेंट में प्लस टू पॉइंट थ्री थ्री फाइव परसेंट में प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव टेन परसेंट में प्लस वन पॉइंट टू एट तो हमारा कितना था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे देख सकते हैं यूज फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो यहाँ पर फाइव परसेंट में कितना है प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइव रख दिया ठीक है इसको रखने के बाद आप यहाँ पे स्टेप फाइव करेंगे स्टेप फाइव कंक्लूजन एंड डिसीजन करेंगे ठीक है कंक्लूजन में क्या करेंगे एक जेड टैब लिए हुए हैं जेड टैब एक लिए हुए हैं जेड कैलकुलेटेड वही लिख दिया मैंने यहाँ पे जेड टैब इज ग्रेटर दैन जेड कैलकुलेटेड क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स फाइव ये इससे बड़ा है ठीक है इसलिए मैंने वन पॉइंट सिक्स फाइव जो है इससे बड़ा है तो जेड टैब बड़ा है तो जेड टैब इज़ ग्रेटर दैन जेड कैलकुलेटेड लिख दिया एच नॉट इज असेप्टेड एंड एच वन इज रिजेक्टेड द पोर्सन ऑफ बैड एपल इज टेन परसेंट ठीक है अगर टेबलेटेड बड़ा होगा तो हम लोग ये लिखेंगे एच नॉट इज असेप्टेड एंड एच वन इज रिजेक्टेड द पोर्सन ऑफ बैड एपल इज टेन परसेंट ये टेन परसेंट कहाँ से आया आपको बता दो ये टेन परसेंट यहाँ से आया हुआ है ठीक है अगर ये दोनों इक्वल होता तो यही लैंग्वेज लिखते हैं एच नॉट इज असेप्टेड एंड एच वन इज रिजेक्टेड द पोर्सन ऑफ बैड एपल इज टेन परसेंट अगर ये बड़ा हो जाता ठीक है जेड टैप से ये जेड कैलकुलेटर अगर बड़ा हो जाता तो साइन चेंज कर देते हैं यहाँ आप लिखते हैं एच नॉट इज रिजेक्टेड एंड एच वन इज एक्सेप्टेड द पर्सन ऑफ बैड एप्पल इज नॉट टेन परसेंट लिख के आंसर लिखते ठीक है अगर वीडियो आप लोग समझ गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय